सो आज की इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और सबसे ज्यादा बोल सकते हैं डिमांडेड क्वेश्चन को, 1/sin(4x + cos)4x को, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इस क्वेश्चन कैसे प्ले करना है मैं आपको अच्छे से समझा दूं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, यही मेथड यूज करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो क्वेश्चन को कैसे देखना है, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, सो क्लियर है पहली स्टेप, तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ डीएक्स आ जाएगा। क्वेश्चन लेंथी है, मैं स्टेप्स को थोड़े से बोल सकते हैं, छोटे छोटे जल्दी जल्दी करने की कवर करूंगा, कोशिश करते हैं यहां पर। सो यहां पर करना क्या है, कोस की पावर 4 या साइन की पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो कोस की 4 से पूरे फंक्शन को डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो पहले न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 1/cos(4) आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर की दोनों ही टर्म्स को मैं डिवाइड करता हूँ कोस की पावर 4 से, तो साइन की पावर 4/cos(4x) आएगा। ऐसे यहां पर cos(4)/cos(4), ठीक है, ये dx यहां पर आ गया। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब इसे डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग द फंक्शन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये सांप जैसा आपको s बनाना है, इंटीग्रेशन का साइन आपको पता ही होगा, cos(4) से cos(4) कैंसिल, 1/cos क्या होता है, sec(4), ये क्या हो जाएगा, sin/cos(10)4। यहां तक ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आता। ये y बचेगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देता है, इसलिए इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, ठीक है। sec(4) को 2 times लिख सकते हैं, sec²x, यस और नो, ये 10^4 ऐसे लिखते हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं है ये वाली लाइन में, इस वाली स्टेप्स में। sec²x का फॉर्मूला क्या होता है, 1+tan²x, यस और नो, यहां पर भी कुछ ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आया है, ये सब हम ऐसे लिखते हैं 10^4x। अब यहां पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन का रूल यूज करेंगे, जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता था वो, यहां पर स्टेप्स आपको अच्छे से दिख रही है ना, तो मैं से 10x को एक मिनट के लिए लेट कर लेते हैं t, 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x dx = dt। आप समझ गए क्या सब्स्टिट्यूट करना है, sec²x dx को हम dt लिखेंगे, y सेम ऐसे लिखते हैं, y = 1+10 को मैंने t माना, 1+t²/1+t⁴, ठीक है। sec²x dx को क्या लिखेंगे, dt, नो प्रॉब्लम। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है, ये कॉन्सेप्ट कभी भी सामने आएगा तो ध्यान रखना, t² से फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, t² से डिनोमिनेटर को भी करते हैं, ठीक है, कुछ कैंसिल है, यस कुछ कैंसिल वाला पार्ट भी आपके सामने आया होगा, ये कैंसिल t² से, t^4 से 2 को कट करेंगे, 2 रिमेन आएगा, क्या बचेगा, t²+1, या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, 1/1+1/t², ठीक है, ये आगे लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या बचेगा, ये t² बचेगा, ये क्या बचेगा, ये 1/t² बचेगा। अब इस सारी स्टेप्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये सारी स्टेप्स जाना कॉमन है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने इस मेथड को यूज किया है। यहां पर जरूरी नहीं है sin(4) + cos(4) में मिले, डिफरेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन में मिलेंगे, 7 chapter में मिलेंगे और 9 में भी, जिनमें मेथड यूज होगा, तो इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज किया है। कभी भी ये कंडीशन बीच में से आ सकता है क्वेश्चन, 1+x²/1/x⁴ ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है, ये डायरेक्ट sec/tan की फॉर्म ये आ सकती है, ये आ सकता है क्वेश्चन sec(4) + tan^4+1, तो मतलब डिफरेंट टाइप से अलग अलग स्टेप से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मेथड जनरली यूज किया गया है। यहां पर क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे, 2 प्लस कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म क्या बनेगी, a²b² 2ab क्या है, देखो 2 के साथ साथ हम t × 1/t लिख सकते हैं, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 ही रिमेन रहेगा, तो 2ab वाली फॉर्म बन रही है, तो यहां पर बनेगा t − 1/t² प्लस में 2 सेम ऐसे लिखते हैं, ये dt सेम ऐसे लिखो, ये हमारी स्टेप्स ये भी क्लियर बहुत अच्छे से, तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन गया सेम। अब एक और बार लेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, दोबारा यहां पे यूज करने वाले हैं, क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को t − 1/t को अब की बार u मान लो, t का इंटीग्रेशन 1/t का माइनस का 1/t², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, dt और du दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ये सबसे ज्यादा मेजर स्टेप्स थी जो क्लियर हुई, एक तो ये होगी जो क्वेश्चन में बोल सकते हैं ट्विस्टेड टर्न है, अच्छा सा वाई सेम रहेगा, ठीक है, 1+1/t² dt किसके इक्वल है, du के इक्वल है, ठीक है। डिनोमिनेटर में से हमने क्या लेट किया, u लेट किया, ठीक है, 2 को मैं √2² लिख सकता हूं, यस और नो, अब u में आ गया, देखो कौन सी आइडेंटिटीज बन रही है, x² + a² फॉर्मूला क्या होता है,
वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यस और नो? क्वेश्चन खत्म, प्लस में कांस्टेंट जरूर आएगा। अब वैल्यू रखना शुरू कर दे, यू हमने लेट किया था, यू की वैल्यू ये है, यू की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। क्या है यू की वैल्यू? टी माइनस वन अपॉन टी, ये रूट टू सेम ऐसी रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां पर किसकी? टी की वैल्यू रखता, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास एक्स में था और एक्स में हमें वापस छोड़कर आना है, तो हमने क्या टी की वैल्यू एक्स थी हमारे पास, सॉरी टेन एक्स थी, वैल्यू पुट कर देते। टेन एक्स वन अपॉन टेन एक्स क्या होता है? कॉट एक्स अपॉन में रूट टू। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। होप सो इसकी सारी स्टेप्स, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। नोटबुक लेकर बैठेंगे साथ मेरे साथ साथ, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को क्लियर करते चलेंगे। सभी मेथड मैंने बोला क्वेश्चन में चार पांच टाइप बन सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम में। होप सो आज का ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें।